ये शानुल हक मलिक सम्मान न्यूज से हमारे सहयोगी शिव नारायण कुशवाहा जी आज ये हमारे साथ हैं। ब्रिजलाल जी जो खेतिहर मजदूर संगठन के उत्तर प्रदेश के सचिव हैं। ब्रिजलाल जी, आप हमें बताएंगे कि खेतिहर मजदूर का इस किसान आंदोलन में कितनी बड़ी भूमिका है? किसान आंदोलन में खेत मजदूरों की का हक बनता है अपनी भूमिका अदा करने का, और वो अपनी भूमिका अदा कर रहा है। ज़्यादातर जो तीनों कृषि कानून हैं जिसके खिलाफ ये किसान आंदोलन है, ये किसान आंदोलन नहीं है। हकीकत में ये देश की मेहनत कश जनता और देश के एक एक प्राणी का आंदोलन है। वो इसलिए कि अगर जो कृषि कानून है, जो तीनों कृषि कानून जिनको काला कृषि कानून कहा जा रहा है, ये कृषि कानून अगर लागू हो जाते हैं तो चंद बड़े पूंजीपतियों और कॉरपोरेट सेक्टर के पक्ष में लागू होंगे। इससे किसान जनता तबाह और बर्बाद हो जाएगी। ये देश कृषि प्रधान देश है। इस कृषि प्रधान देश में 73% लोग खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं। पहली बात तो ये, जब कृषि से जुड़े हुए हैं, कृषि प्रधान देश है, तो ऐसे कोई कानून जो खेती के खिलाफ जाते हों, किसान के खिलाफ जाते हों, इस देश के लिए मंजूर नहीं है। दूसरा, खेती में जब अन्न पैदा होता है, यही वही देश है। आज़ादी से पहले इस देश के अंदर भुखमरी होती थी और भूख से मौतें होती थी। इस देश में किसान ने इतना अन्न पैदा किया कि इस देश के जनता को आत्मनिर्भर नहीं बनाया, बल्कि दूसरे देशों की जनता के लिए भी अन्न का निर्यात किया। सरकार ने इतना स्टॉक पैदा किया, आज भी हमारे गोदामों में लाखों टन अनाज सड़ रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि वो अनाज गरीब आदमी तक उसकी पहुंच नहीं है, आम गरीब आदमी के लिए नहीं है। जहां तक इन तीनों कृषि कानूनों का जो सवाल है, इन तीनों कृषि कानूनों में एक एक लाइन में मैं बताना चाहूँगा इनकी खामियाँ क्या हैं। अभी इन्होंने एक मंडी कानून बनाया। मंडी कानून के तहत वो कहते हैं कि किसान आज़ाद हो गया। किसान तो पहले भी आज़ाद था, अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है, कहीं भी कुछ कर सकता है। लेकिन मुख्य सवाल ये कि मंडी कानून में इन्होंने MSP को नहीं जोड़ा, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। इनकी कोई गारंटी नहीं है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल को खरीद सकें। अभी धान का समर्थन मूल्य 1800 से अधिक है और खरीददारी हो रही है 1000 और 1200 में। मक्का का समर्थन मूल्य 1850 घोषित किया, खरीदारी हुई 700 और 800 में। तो ये हालत है फसलों की। उस न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की गारंटी सरकार को जो करनी चाहिए, वो एक तो गारंटी नहीं है, दूसरा मंडी को ये ख़त्म करना है, जहाँ पर लाखों लाख व्यापारी, छोटे व्यापारी, मिडिल वाले और पल्लेदार भी ख़त्म हो जाएंगे। फिर डायरेक्ट सीधा बड़े पूंजीपति की एजेंसी या विदेशी कंपनियां डायरेक्ट उनसे सीधा खरीदेंगी, जिनसे सरकार टैक्स भी नहीं लेगी। तो सरकार के लिए राजस्व का भी नुकसान होगा और औने पौने में करेंगे। उसके साथ ही जुड़ी हुई है ठेका खेती, जिसको ये कह रहे हैं कि ये कानून अच्छा है, ठेके पर लेंगे कंपनियां खेती के लिए। वो जो भी किसान के साथ करार करेंगी, 8 साल 10 साल 15 साल ये जो करार करेंगी, जिसको यूपी गवर्नमेंट ने 15 साल के लिए अनुमति दे दी, ये बहुत ही खराब है। इसका अनुभव यह है कि अगर किसी फसल के लिए वो हमसे करार कर लेते हैं कि इस साइज़ का हमारा आलू चाहिए हमको, उस साइज़ से कम का होगा तो खरीदेंगे नहीं, हमारा मिट्टी का मोल बिकेगा। इसी तरीके से कोई भी फसल है, अगर उनके ज़्यादा बम्पर पैदावार हो जाएगी तब भी नहीं खरीदेंगे, और वो करार तोड़ सकते हैं। और करार टूटेगा तो उसमें साफ लिखा गया है कि SDM या DM सुनवाई करेगा। SDM DM के किसके पक्ष में न्याय देंगे? न्यायालय में जाने का रास्ता भी उन्होंने नहीं छोड़ा है। तो ये कानून भी किसान के खिलाफ है। तीसरा कानून है उनका, वो उन्होंने आवश्यक वस्तु अधिनियम खत्म किया है, यह समझ लीजिए। सही माने में जमाखोरी कानून के रूप में बना दिया, उसका नाम होना चाहिए, क्योंकि जमाखोरी करने वालों के लिए खुली छूट दे दी है। जितने अनाज हैं, दालें हैं, तिलहन है, ये सब उन्होंने, सब्जियां हैं, ये सब उन्होंने आवश्यक वस्तुओं के दायरे से बाहर कर दिया है। और जब आवश्यक वस्तु के दायरे से बाहर है, कितना ही स्टॉक करे पूंजीपति, कितना ही कुछ करे, वो स्टॉक कर लेगा और स्टॉक करने के बाद महंगा करके बेचेगा। इससे पूरे देश के अंदर महंगाई बढ़ेगी
आम जनता के ऊपर वजन बढ़ेगा, और खास तौर से जिनकी खरीदने की शक्ति नहीं है, और वो सबसे बड़ा तबका है ग्रामीण मजदूर या शहर के अंदर रहने वाला रिक्शे वाला छोटा मजदूर, वो उस मजदूर के सामने भोजन का संकट खड़ा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा भूख से मौतें होंगी, ये हाल पैदा हो जाएगा। इसी के साथ जुड़ा हुआ है पीडीएस सिस्टम, यानी पीडीएस का मतलब सार्वजनिक वितरण प्रणाली। जब ये फसल की खरीद नहीं करेंगे, सरकारी खरीद नहीं होगी, तो आम गरीब आदमी के लिए जिसको राशन मिलता है वो राशन की दुकानें भी बंद हो जाएंगी, राशन उनको मिलेगा नहीं। इससे भी आम जो खेत मजदूर है, गरीब आदमी है, ग्रामीण गरीब है, शहरी गरीब है, जिसके रोटी का भोजन का काम चलता है, वो उसको मिलेगा नहीं, और ज़्यादा भूख से मौतें होंगी, और ज़्यादा उनके शरीर कमज़ोर होंगे, उम्र औसत उम्र भी उनकी घटेगी, जो आज 60 साल बता रहे हैं औसत उम्र के, शहरों के अंदर 60 साल है, देहात के अंदर थोड़ी और कम है, वो औसत उम्र भी घटकर 30-40 पर रह जाएगी। सही माने में जवान होते होते बूढ़ा होकर मर जाएगा, बीमारियां उसको घेरेंगी, बीमारियों से लड़ने की ताकत भी नहीं रहेगी। आज हम देखते हैं रोज अखबारों में छप रहा है, महिलाएं 50% महिलाएं खून की कमी का शिकार, 60% से ज़्यादा बच्चे अपने उम्र के हिसाब से लंबाई और वजन के हिसाब से कम है। इसका मतलब क्या है? कुपोषण बढ़ रहा है, उनके लिए व्यवस्था नहीं कर पा रहे हो। तो ये तीनों कृषि कानून, जिसमें MSP भी को दर्जा नहीं दिया गया है, ये तीनों कृषि कानून सरकार वापस ले और MSP पर खरीद की किसान की गारंटी करे, और प्रत्येक परिवार के लिए अनाज देने की, राशन देने की, दाल देने की व्यवस्था करे, कम से कम 14 चीज़ें राशन पर मिले, और ये लक्षित जो सार्वजनिक प्रणाली है, इस सार्वजनिक प्रणाली को बहुकल्पी बनाया जाए, सबके लिए बनाया जाए, सारे लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गारंटी होनी चाहिए, तभी ये देश बच सकता है, तभी यहाँ पर भुखमरी खत्म हो सकती है, तभी सही माने में बीमारियों से लड़ने की शक्ति हो सकती है। ये काम सरकार को करना चाहिए, सरकार उल्टे पूंजीपतियों के पक्ष में काम कर रही है बजाय जनता के। जनता वोट देती है, जनता ने सरकार को बनाया है, और सरकार काम कर रही है पूंजीपतियों के पक्ष में, तो वो न करके जनता के पक्ष में मोदी सरकार को खड़ा होना चाहिए, यही उम्मीद हम करते हैं। उत्तर प्रदेश में किन किन जनपदों में आपका यूनिट काम कर रही है बताएंगे? हमारे यूनिट करीब 40 जनपदों में है, बहुत बड़ा संगठन नहीं है, लेकिन उन 40 जनपदों में से बहुत सारे जिले के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, तो ज़्यादातर साथी हमारे गाजीपुर और पलवल बॉर्डर पर पहुँच गए हैं, वो 26 तारीख तक रुकेंगे, किसानों के आंदोलन का पूरा समर्थन कर रहे हैं, और पूरब के जिलों के अंदर जो अभी तक हमारे पास सूचना है 24-25 जिलों के अंदर व्यापक पैमाने पर खेत मजदूर यूनियन के बैनर तले खेत मजदूरों को इकट्ठा करके प्रदर्शन हुए हैं, इस मांग को लेकर के किसानों के पक्ष में हम खड़े हैं, ये तीनों कृषि कानून सरकार वापस ले और MSP के लिए कानून बनाए, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सार्वजनिक करने की घोषणा करे, ना के लक्षित रहे। तो उसके साथ हमारी मनरेगा की मांगे हैं, जो हमारी यूनियन की मांगे हैं, उन मांगों को जोड़ करके आज सब जगह हमने प्रदर्शन किए हैं, आने वाले 26 तारीख को संविधान की रक्षा के लिए हम लोग शपथ लेंगे, ये भी हमारा आगे आने वाले समय में कार्यक्रम तय है जो हर जिले में लिया जाएगा। भाजपा सरकार सदैव पूंजीपतियों के पक्ष में रही, और इसी के आड़ में धर्म का नारा दे करके भाजपा सत्ता में आई, और आज इस देश को, सारी गवर्नमेंट सेक्टर को, और एक ही सेक्टर बचा था वो किसानों का, उसको भी पूंजीपतियों के हाथ बेचना चाहती है। निश्चित रूप से ये आंदोलन अगर लंबे समय तक चला तो इस देश का नुकसान होगा और सरकार का नुकसान होगा। देश में के हित में हमारी प्रधानमंत्री से ये अपील है कि वो पूंजीपतियों के हाथ इस देश की जमीन मत बेचे, बल्कि वो किसान